नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर चुका है। ऐसे में अब छात्रों को इंतजार है सीबीएसई के उस क्राइटेरिया का, जिसके आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस बीच खबर है कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जल्द ही जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड 14 जून को इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जारी कर देगा। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले 12 लाख छात्र मूल्यांकन क्राइटेरिया जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने पिछले हफ्ते ही 12वीं के छात्रों को मार्क्स देने का फॉर्मूला तैयार कर लिया था। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 12 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। ये कमेटी इस बात पर फैसला करेगी कि परीक्षा आयोजित किए बिना छात्रों को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है और उनकी मार्कशीट कैसे तैयार की जा सकती है। इस कमेटी ने इस काम को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का समय लिया था। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे कि अगले हफ्ते इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। वहीं पिछले कुछ दिनों पहले सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने भी कहा था कि बोर्ड ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेगा कि सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम समय पर घोषित कर दिए जाएं, जिससे छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए आवेदन करने में दिक्कत ना हो। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकारियों को छात्रों के लिए एक निष्पक्ष और फ्री फॉर्मूला तैयार करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। बता दें कि एक बार मार्कशीट का फॉर्मूला तय हो जाने के बाद बोर्ड रिजल्ट की डेट भी जारी कर देगा। माना जा रहा है कि रिजल्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते तक जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई की तरफ से फॉर्मूला जारी कर दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि स्टेट बोर्ड भी उसे फॉलो करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।